इस अंतर रव हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए गौंड नाद ब्रह्मे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे राम ऐसे हेरों राम छोड़ चित अनत न फेरों रहाओ ज्यों मीना हेरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखई हिरे पर नारी कौडा डारत हिरे जुआरी जह जह देखो तह तह रामा हर के चरण नित त्यावे नाम जह जह देखो तह तह रामा हर के चरण नित त्यावे नामा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 873 अंग ते दर्ज है सिंह साहिब भाई सतनाम सिंह जी हड ग्रंथी साहब
सरवण करवाणगे। अज श्रोमणी भगत भगत कबीर जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। आप समूह संगत नू समुचे सिख जगत नू लख लख वधाइयां होण। अज शामां दा 7 बजे तो लैके रात 11 बजे तक का विशेष जो समागम है वो भगत कबीर जी दे पवित्र जन्म दिहाड़े नू मनाउण वास्ते सजाया जा रहा है। कल 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पवित्र प्रकाश गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरद्वारा साहब मजनू कटेला विखे मनाया जाएगा। कल अमृत वेले तो बाद दोपहर तक विशेष समागम सजाए जाएंगे। सो आप संगत को बेनती है कि आज शामी इस स्थान पर और कल गुरुद्वारा साहब मजनू काटिला विखे हाजरियां भर के सेवा करके गुरु की बख्शिशा प्राप्त करनिया। नेपाल के पीड़ित परिवारों वास्ते आनंदपुर साहब के 350 साल स्थापना दिवस को समर्पित जो कार्य हो रहे हैं, खास करके जो वाइट सिटी बनाया जा रहा है उदे रंग रोगन की पेंट की सेवा वास्ते आप जी माया किसी भी इतिहासक गुरुद्वारे विच जमा करवा सकते हो जां एक्सिस बैंक के अकाउंट राही ये माया भेज के गुरु कीआं खुशियां बख्शिशां आप जी प्राप्त करो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी दास तेरे की बेनती रिद कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास चरण कमल कायसरा रब पुरख गुण तास कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग काट सास मात पिता बंदब तोही तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास बेसुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल बाणी के बोहेत चावर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी बेच सोबत बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन दरबार गुरुद्वारा बंगला साहिब जी दे दर्शन दीदार करदे होया
हजूर पातशाह जी दे हजूरी कीर्तनी जथे पासों अमृतमयी बाणी तुर की बाणी आसा जी की वार दे अमोलक शब्दां दा रस पिना कीर्तन सरवण कर रहे सतसंगी हो तनता युग हो सतगुरां दी अपार बख्शिश होवे ता ये दातां सानू प्राप्त हो सकदियां हन। जो अज दे मुबारक बचन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू बख्शिश किए हैं, सिंह साहिब जी दे पासों असी सरवण किया है और साध जनां दी उत्तम बाणी रहिंदी दुनिया तक सानू सच्चार जीवन जीवन की जुगती बख्शिश करती रहेगी, समझाती रहेगी। आपां ये भी बचन सुने हैं, अज श्रोमणी भगत भगत कबीर जी का जन्म दिहाड़ा समुचे जगत में जिथे जिथे भी उन्हां महापुरखां नूं जानण वाले पढ़न सुन वाले हैं, उन्हां दे मिठे प्यारे उपदेशां नूं याद कर रहे हैं। इस तरह आने वाले दिनों में असीं धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब भी मना रहे हैं। गुरु की संगत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अमोलक बचन हैं, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे, ये सानू अपने महान जो बजुर्ग हैं महापुरख हैं किते ना किते किसी खास दिन ते एकत्र हो के उन्हां दियां जो साढ़े ते पार उपकारी बख्शिशां हैं उन्हां नू याद कर लिया जावे ते जो याद करदे हैं समझो पुत्रां तो सुपुत्र बन जांदे हैं। कहण तो भाव पंजाबी दे शब्द असी पढ़ते सुनते हाँ कि एक पुत्र शब्द है एक सपुत्र शब्द है ते तीसरा बिल्कुल इस दे विपरीत कपुत्र शब्द है। अजे के जदों इन्हां नूं देखिया पढ़िया जावे अंतरीब भाव दे नाल इन्हां दे शरीर दे विच माता पिता दे विच जन्म स्थान दे विच कोई अंतर नहीं होंदा, पर जिन्हां ने अपने बजुर्गां दे इतिहास नूं माता पिता दे नाम नूं रोशन कर दिता वो सुपुत्र बन गए। जिन्हां ने अपने माता पिता बजुर्गां दे इतिहास नूं कलंकित कर दिता उन्हां नूं समाज दे विच लोग कपुत्र ही आखदे हन। संसारी दुनिया विच विचरदिआं असीं समझ सकदे हाँ जिस पिता ने अपने बच्चिआं नूं पढ़ा लिखा के चंगे गुण बख्श दिते उन्हां बच्चिआं दे विचों एक ने चाहे वह सर्विस कर रहा है चाहे वह बिजनेस कर रहा है कोई भी किरत कर रहा होवे माता पिता की सिख्या नूं लै के भैड़ी संगत तो बचिया है नशियां तो बचिया है जुए वर्गी खेड तो बचिया है अते गरीबां दा भला करदा है जो माता पिता ने सिख्यावां दित्तियां ते उस अनुसार अपना जीवन ढालदा है। मालिक उहदे कारोबारां विच भी वाधा करदे हन जे पिता ने उन्हां नूं भाव कारोबार करने लई एक दुकान बनवा के दिती सी उस पुत्र ने अगों पता नहीं कितनिया दुकाना फैक्ट्रिया जा होर भी कारोबार विच वाधा कर लिया। समाज दे विच ऐसे पुत्रां नूं सपुत्री कहा जाएगा कि उन्होंने माता पिता की कमाई दे विच
इज्जत दे वेच होर वादा कीता है। कुछ ओ हन जिन्हां ने माता पिता की कमाई दे नाल मौजां उड़ाइयां, भैड़ी संगत वेच पै गए, नशियां वेच जुआरियां दी संगत वेच चले गए, लड़ाइयां झगड़े करन लग पए। समां आया माता पिता की दित्ती हुई जायदाद नूं भी वेच के मुकदमे या नशियां वेच बर्बाद कर दिता, ते समाज ने उन्हां दे प्रति यही शब्द वरते हन, माता पिता तो बहुत सियाने नेक कहन तो भाव चंगी इज्जत वाले सन, पर पुत्रां ने उन्हां दे नाम नूं भी कलंकित कर दिता है, कुपुत्र निकले हन। कहन तो भाव इस संसार दे वेच ही जदों असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नमस्कारां करके उन्हां दे बचन पढ़दे सुणदे हाँ, है तां असी सारे उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी संतान हाँ, कोई नहीं कहा जा सकदा। सारे ही उस वाहिगुरु परमात्मा दे बच्चे बच्चियां हाँ, ते गरीब नवाज सतगुरु जी समझाउंदे हन, कुछ ने गुरुदेव पिता दे राही सिखियावां लईयां, किरत कीती, नाम जपिया, मनुखता दी सेवा कीती, माता पिता दा परमेश्वर दा नाम रोशन कर दिता, उन्हां नूं लोग सिरोमणी भगत कह के, परमेश्वर दे प्यारे संत कह के, महापुरख कह के सन्मान करदे हन। इथों तक साहिब जी दे बजन हन कि भगत जना ने परमात्मा नूं सौंत कीता है। आम असी की शब्द पढ़ते हाँ, जिस गृहस्थ जीवन दे विच रहिंदे हां, भाव उस दंपति जोड़े दे घर संतान ना होवे, समाज उस नूं कहिंदा है वह बेचारे अंतरे गए हन, भाव उन्हां दी संतान नहीं, तियां पुत्र नहीं होए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर दे प्रति जो अपना प्यार दर्शाया है कि भगत जना ने भगती करके, मनुखता दी सेवा करके परमात्मा नूं सौंतरे बनाया है, भाव उन्हां दे सुपुत्र बन के उन्हां दे नाम नूं रोशन कीता है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी वे भगत कबीर जी नूं श्रोमणी भगत करके पंचम पातशाह जी ने जदों देखिया है, ध्यान दे नाल गुरु नानक साहिब महाराज जी तो लैके सतगुरु गुरु अंगद साहिब, गुरु अमरदास साहिब, गुरु रामदास साहिब जी महाराज, उन्हां ने ध्यान नाल देखिया सी कि धार्मिक लोगों वालों, उस समय के राजियां वालों, चौधरियां वालों भगतां दे नाल किहो जिहा विहार सलूक किया गया सी। जिन्हां महापुरखां नूं असी अज याद करना है, उन्हां दे अपने कहे हुए पवित्र वचन हन, क्या अपराध संत है कीना बाद पोट कुंचर को देना। कुछ ऐहो जे उस समय दे कट्टरताई धर्मां विच रहण वाले मुखी राजियां कोल जाके शिकायतां करके हाथियां अगे बन देना, पहाड़ां तो डिगिर देना, ये तकरीबन समूह भगतां दे हिस्से विच आया है। पर उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा जो भजन बंदगी कीती है, सिमरन करके, संगती करके, उन्हां लोगां दे माड़े भजनां नूं भी स्वीकार कर लिया, माड़े विहार नूं भी स्वीकार कर लिया, पर जिस रस्ते ते वो चल रहे सन वाहिगुरु परमात्मा दी भजन बंदगी वाले पासे तो एक सिन मात्र भी पिछां नहीं हटे। इसे करके भगत कबीर जी ने उन्हां नूं सूरमे कहा है, जिहड़े जंग दे मैदान दे विच जदों बहुत भाव आवाजां पै रहियां, हुण गगन दमामा बाजे, ओ परे ओ निशाने काओ,
खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न साडे खेत। विचार दे तौर ते जदो अज असी धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे पवित्र वचन जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विचों पढ़ते हाँ सुनते हाँ, श्री कबीर जी करके बाणी का आरंभ करते हैं, इस रोमणी हर महान सत्कार देता है। क्यों कि भगत कबीर जी किसी राजे महाराजिया के पुत्र सन नहीं। हुण इतिहास में जदों असी पढ़ते हाँ महापुरखों के जन्म बारे भी असी कोई पक्का सबूत नहीं दे सकते। वख वख रावां वख वख इतिहासकारां दीआं रायां जो हन विचारां हन वह पढ़ सकते हैं। अज भी भगत कबीर जी नूं जदों वख वख विद्वानां दी लिखत राही समझण दा जतन करदे हां, कोई उहनां नूं पक्का मुसलमान कोई उहनां नूं पक्का हिंदू कह रहा है, तो उहनां दे परिवारां नाल संबंधित सन, उहनां दे जन्म बारे जन्म स्थान बनारस की धरती ते नीरू और नीमा नाम दे गरीब परिवार नाल जुलाहा श्रेणी विच जो किरत करन वाले उस समय की वंड के अनुसार शूद्र जाति ही कहा जाएगा, इन्हां महान पवित्र नेक आत्मावां नूं भगत कबीर जी दे सेवा संभाल करन दा अवसर प्राप्त होया है। क्योंकि दास ने पहला ही अर्ज की है, कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि भगत कबीर जी नूं जन्म के समय ही जिमें अज भी असी वेखते हाँ ये बड़िया भैड़िया समाज दिया गंदिया आदत ही कहेंगे, बच्चे बच्चिया डस्टबीना बाहर गलियां दे वेच, जां धर्म स्थाना वेच सुट देंदे हैं, ये कोई चंगी पिरत नहीं। क्यों सुटिया किमें सुटिया ये तो वह परिवार ही जानता है जिन्हों का बच्चा होगा, पर नीरू नीमा नाम के इस दंपति जोड़े को सुभाग प्राप्त होया कि उन्होंने मालिक की दात समझ के प्रभु दस की दात समझ के दी सेवा संभाल की है, और जिहो जी उन्हां दी किरत सी जिहो जिहा उन्हां दा सुभाव सी उहदे अनुसार इन्हां दी पालना पोसना भी कीती है। भाग चंगे हन इन्हां महापुरखां दे इस धरती ते बड़े बड़े महान पुरख समय समय ते आउंदे रहे, मनुखता नूं उपदेश देंदे रहे, ते कबीर जी आप दसदे हन अजे कि साडी जात नूं लोग हसदे तां सन, ये नाम जप नहीं सकती, ये प्यारियां दी संगत नहीं कर सकती, कबीर मेरी जात को सब को हसने हार, पर मैं इस माड़ी जात नूं भी अपने वड्डे भाग समझदा हाँ, बलिहारी इस जात को जिह जपियो सिरजनहार। जे कितें मैं भी किसी ब्राह्मण दे घर पैदा हो जाता, हो सकता जो अज मैनू समाज ने देश ने कौम ने माण दिता है कदे भी ना मिलता, मैनू गरीबड़िया के घर में रह के माण सन्मान मिलया है, प्यार मिलया है, और बिल्कुल उस तरह जिमें गलिया नदियाँ भाव नालियां दा गंदा पानी चलता होया एक प्रवाह के नाल गंगा जमुना दे विच जाके प्रवेश हो जावे, ते जेहो जी पवित्रता दा नाम उन्हां नूं मिलदा है इस जल नूं भी मिल जांदा है। कहन लगे मेरे वल्लों भावें लोगां ने किसी प्रकार दे वचन कहे होण, निंदिया भी कीती कि एक शूद्र नाम नहीं जप सकदा ये ओह नहीं कर सकदा, ते भगत कबीर जी दे जदों असी अमृत वचन पढ़ते हाँ उहदे विच्चों एक सच्चाई सामने आउंदी है बड़ी क्रांतिकारी, बहुत निरपैता वाली वीरता वाली। इस्लाम धर्म के मुखिया नूं भी वह कह रहे हैं कि सुनत किए जे भाव, जे सुनत कीतियां ही असी मुसलमान हो सकते हाँ, औरत क्या क्या करिए, फिर असी अपने समाज के नाल बेइंसाफी क्यों करते हैं। इस तरह ब्राह्मणा के नाल भी उन्होंने अपनी विचारधारा के राही वीरता वालिया गल्लां नूं समझाउणा कीता है।
एक भजन कह दिता है भाई तुसी मेरे माँ प्यो की तरह मेरी बड़ी संभाल की है। अजे माँ प्यो माता पिता तो बच्चे दे गंदे कपड़िया पानी दे नाल साबण दे नाल धो के अपने हाथ साफ कर लेंदे हैं, बड़ा वड्डा पर उपकार है। पर निंदिया करन वाले धर्मी पुरखो तुही मेरे माता पिता तो भी ज्यादा प्यारे हो, क्यों मेरे इस मन नू जन्म जन्मांतरां दी मैल लगी हुई सी, गंदगी लगी होवेगी वो तुसी अपनी जबान दे नाल साफ कर रहे हो। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। तुसी मेरे माँ प्यो दी तरह भाव मेरी गंदगी नू अपनी जबान दे नाल धो रहे हो। तुसी